जो है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा उठाती है, लगातार जो है कि हत्याएं हो रही है, शिक्षा विभाग में गड़बड़ी नजर आता है, हिंदू त्योहारों को काट दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग भी जो है कि खटारे में नजर आता है। जो भी स्वास्थ्य विभाग के बेहतरी की बात करते हैं उनके लिए जो है कि कड़े शब्दों के साथ जेल जाने की बात होने लगती है। कैसे देखते हैं इसको आप? निसंदेह देख सकते हैं समाज में दिन प्रतिदिन हर दिन सुबह सुबह की शुरुआत ही हत्याओं के साथ होती है, और रात में जब लोग न्यूज़ ओपन करते हैं तो उन्हें सिर्फ हत्याएं नज़र आती है। अराजकता पूरी तरह से स्टेट अराजक हो चुकी है, और इसमें कहीं ना कहीं भूमिका हमारे प्रदेश के मुखिया का है। वो आज इस कदर कुर्सी के पीछे दीवाना हो गए हैं कि तमाम बिहार के आम जनमानस की चिंता उनको अब रही नहीं। अब केवल और केवल वो अपनी राजनीति बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए बिल्कुल ही समाज के विपरीत राजनीति में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। हिंदू त्योहारों की जो बात थी, हिंदू त्योहार जो है कि छुट्टी बड़ी सारे काट दिए गए। निसंदेह आप इससे बड़ा क्रिमिनल चेहरा और क्या हो सकता है। आज सिर्फ एक विशेष, मैं कहूं तो हिंदू जाति को, हिंदुओं को विशेष तौर पे अपमानित करने का इससे बड़ा प्रयास आज तक की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी राजनेता ने नहीं किया होगा, जो आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। परंतु जब हम कोई विद्यालय कुछ पहुंचे तो पता चला रक्षाबंधन के दिन वहां केवल शिक्षक आए, एक भी छात्र नहीं आया। सर्वप्रथम आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आज जिस तरह से ये लोगों को प्रताड़ित कर अपनी समर्थन की आस लगाए बैठे हैं प्रदेश के मुखिया, आपको मैं बताना चाहता हूं अपने अधिकारियों के द्वारा सबसे प्रथम कार्य क्या था, स्कूल की व्यवस्था करना, वहां पे स्टूडेंट के लिए व्यवस्था करना, वहां स्टूडेंट किस तरह से बढ़े इसकी व्यवस्था करना। आपने इन सारे चीज को किया नहीं, और लगातार विभिन्न कार्यों में आप शिक्षक, जिसका कि एकमात्र कार्य था शिक्षा देना, संस्कार का सृजन करना, उनको आपने विभिन्न कार्यों में लगा दिया। अभी क्या है, जनगणना करवाएंगे तो शिक्षक करवाएंगे, या शिक्षकों से यही सब काम करवाना करवाने का विचार इनका है? तो ये मुद्दा और ये आम जनमानस के साथ है ही नहीं, ये हर तरह से चीजों को बस प्रताड़ित करना जानते हैं। इसके अतिरिक्त अब इनके दिमाग में कुछ नहीं है, सारा खेल आज, सारा खेल आज तक ये कारण नहीं बता पाए कि ये भारतीय जनता पार्टी से क्यों अलग हुए। समाज में बताना चाहिए था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी कंडीशन डाली, ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, जिसने आपको राजनीतिक पहचान दिया। आज तक आप अगर कुर्सी पे विराजमान रहे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कारण आप रहे, और आपने उसे ही परित्याग कर दिया। और आपकी राजनीतिक जन्म जिस चीज के लिए हुई थी, आप लालू यादव के राजनीति के खिलाफ, उनके घोटालों के खिलाफ आपकी राजनीतिक जन्म हुई थी, आप उनको छोड़ के, आप उन मुद्दों को छोड़ के वापिस उनके साथ जाके सत्ता में बैठ गए। और एक बात, दूसरी बात और है, आप अभी जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, जिस तरह से अभी अराजक हो चुका है स्टेट, मैं प्रामाणिक तौर पे कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुखिया का इसमें पूरी तरह से भूमिका है। वो इसलिए है कि आप अपने प्रथम 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से आप अपराधियों के विरुद्ध कार्य किया करते थे, आज आपकी क्या ऐसी जरूरत आ गई, क्यों इतनी चिंता है, जो आप समाज, समाज के लिए कीड़ा, समाज के लिए दूषित व्यक्तियों को जेल से निकालने के लिए कानून में संशोधन करते हैं। आप एक से एक महान समाज के लिए कलंकित व्यक्तियों को जेल से निकलवाकर क्या सूचना देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? तो फिर अगर आज अराजक है तो कहीं ना कहीं माननीय प्रदेश के मुखिया का इसमें भूमिका है। जदयू जिलाध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी द्वारा ऐसा कहा गया कि भारत में एकमात्र नेता उनके नीतीश कुमार हैं जिन्हें UNO द्वारा सम्मानित किया गया, इस पर आपको क्या कहना? उसके बाद भी आप लोग उन पर तीखा टिप्पणी करते हैं, इस तरह का असंवैधानिक ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, कहां तक उचित आपको लगता है? नहीं, मैं इन चीजों पे बताना चाहता हूँ, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, ये मैं नहीं कहता, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। माननीय नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस विचारधारा के साथ जुड़कर स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, तब तक निसंदेह इनकी चर्चा एक अच्छे राजनेता में थी, समाज के द्वारा। चर्चा हम राजनेता नहीं करते हैं, चर्चा समाज करती है। और जहां तक सम्मानित करने की बात हो, तो आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही कोई नेता होंगे
सभी सम्माननीय हैं जितने भी नेता हुए, लेकिन शायद ही कोई नेता ऐसे होंगे जिन्हें विभिन्न तरह के विशेष सम्मान से, यहां तक कि देश के सर्वोच्च सम्मान से, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जितना सम्मानित हुए हैं शायद ही कोई नेता हुआ होगा। चाहे यूनाइटेड नेशन में सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान की बात हो, चाहे फ्रांस में विशेष नागरिक सर्वोत्तम नागरिक सम्मान की बात हो, तो भाई जब आपके सामने बैठे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज देश के आम जनमानस को लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार एक देश के रूप में गर्व करने का जो अनुभव प्राप्त हुआ है, जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसके अतिरिक्त और किसी चर्चा का कोई महत्व नहीं है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा बिहार प्रदेश के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से कि आप अपनी कुर्सी के लिए जिस अराजक तत्व से, जिस अराजक लोगों के साथ, जिस भ्रष्टाचारियों के साथ, जिस घोटालेबाजों के साथ, जिसकी चर्चा आप समाज में करके आज राजनेता के रूप में आप स्थापित हुए थे, उन्हीं के साथ संबंध बना के आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या लगता है उनके बारे में जो टिप्पणी किया उसे आप उचित मानते हैं? नहीं, निसंदेह आप जो कर्म करते हैं आपके कर्म के अनुसार आपका नामकरण संस्कार समाज के द्वारा किया जाता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को विश्वनायक के रूप में लोग संबोधित करते हैं, विश्व का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उसमें दिखती है। तो उसी तरह से आज वर्तमान स्थिति जो माननीय प्रदेश के मुखिया जी की है, उस पर जो टिप्पणी की गई है, मैं निसंदेह मैं कहना चाहता हूं कि वो उपजी जो स्थिति है उससे निकला वो टिप्पणी है। हालांकि ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कोई भी राजनेता अगर वो उस पद पे बैठे हुए हैं तो उनके लिए सम्मान है, लेकिन आज जिस तरह से परिस्थिति बिहार की बनी हुई है, जिस तरह से हर दिन चाहे मारकाट हो, चाहे आप जो कहें, आज भय में लोग हैं। वापिस बिहार अपने 90 के दशक में लौट चुका है और कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया इस पर चुप हैं और शांति रूप से इन सारे चीजों को ग्रहण करके और अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से इन चीजों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निसंदेह उन पर की गई टिप्पणी या जिन लोगों ने टिप्पणी की है वो उनके हिसाब से टिप्पणी है, उनकी व्यक्तिगत सोच है। वैसे किसी भी माननीय नेताओं पर इस तरह की टिप्पणी शोभनीय नहीं है। परिचय क्या? राहुल रंजन, युवा जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाढ़, साथ ही मैं सूर्यगढ़ा विधानसभा का विस्तारक हूं। और मैं लास्ट में एक चीज जरूर आप चैनलों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक देश के रूप में गर्व करने का जो सम्मान दिया है, जो और साथ ही योजनाओं के माध्यम से जो आपके समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया है, जिन्होंने पहली बार किसानों को सम्मान दिया है, वैसे व्यक्तियों का वर्णन करें, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी हरेक समाज में जुड़ के, किसी चाहे वो कोई भी समाज हो उसके साथ जुड़ के कार्य करती है। इसलिए मेरा विशेष अनुरोध है कि समाज भारतीय जनता पार्टी का वर्णन करें।